हेलो फ्रेंड्स, प्रेमलतास किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मलयावदी आम से आम कलाकंद कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मलयावदी आम का आम कलाकंद बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनता है, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। इसके पहले भी मैंने आमपक की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की थी, सभी व्यूअर्स ने बहुत पसंद की थी। उसी क्रम में मैं आज आपके साथ आम कलाकंद की रेसिपी की शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आम का कलाकंद बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 kg मलयावदी आम। अब हम आम के इस प्रकार से छिलके उतार लेंगे, इस प्रकार से सभी आम के। इस प्रकार से छोटे छोटे पीस में हम रफली कट कर लेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से हम कट कर लेंगे। कट किए हुए आम को हम मिक्सर के जार में शिफ्ट कर लेंगे, इस प्रकार से। अब हम लीड लगाकर अच्छे से घुमाकर आम का पल्प तैयार कर लेंगे, हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार से अच्छे से आम का पल्प या प्यूरी तैयार कर ली है। अब हम एक पैन में गैस को ऑन करके 2 tablespoons देसी घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम आम की प्यूरी डालेंगे। पैन में प्यूरी डालने के बाद हम इस प्रकार से बराबर चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और एक अच्छा सा आम का खोआ तैयार करेंगे जिसे हम मावा भी कहते हैं। ऐसे बराबर चलाते रहना। आप देख सकते हैं हमें इस प्रकार से बराबर चलाते रहना है, बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए। और कभी आम के छींटे उड़े मानो तो आप इस प्रकार से ढक्कन भी ढक सकते हैं, इस प्रकार से। ऐसे हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला, ऐसे छींटे बहुत कम होंगे। इस प्रकार से हमें बराबर बराबर चलाते रहना और एक अच्छा सा खोआ तैयार कर लेना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं खोआ हमारा रेडी हो चुका है। इसे बनाने में हमें 20 मिनट का समय लगा है और आप देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। मलयावदी आम का ऐसे भी कलर बहुत अच्छा आता है, इसे कलाकंद बहुत अच्छा बनता है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। गैस को ऑन करके हम एक पैन में 1 cup चीनी या 200 g चीनी लेंगे और उसके बाद हम 1/2 cup पानी डालेंगे। अब देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम 10-15 धागे केसर के, जिसे हमने 10 मिनट पहले दूध में भिगो दिए थे, और 1/2 teaspoon इलायची पाउडर जिसे हमने चीनी के साथ पीसा है। गैस की फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस नॉर्मली बनाना है। अब हम इस स्टेज पर 250 g खोआ डालेंगे। खोआ हमने घर पर ही बनाया है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे।
और अच्छे से हल्के आंच से इस तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं खोआ भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब वापस हम गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और आम का खोआ डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं आम का कलाकंद हमारा रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और कलाकंद को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आम खट्टे हो तो आप चीनी की मात्रा 1/4 कप बढ़ा दें, क्योंकि हमारे आम एकदम मीठे थे इसलिए हमने चीनी 1 कप यानी 200 ग्राम ली है। हमारा आम का कलाकंद एकदम परफेक्ट बना है। फ्रेंड्स, आम का कलाकंद हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं ये आम का कलाकंद हमारा कितना स्वादिष्ट बना है। चाहे तो अब इसे हम बादाम से इस प्रकार से गार्निश भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आम का कलाकंद रेडी है। इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। इसे बनाकर अपने अनुभव प्रेमलतास किचन में जरूर शेयर करें। टेक केयर।